हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं उन स्टॉक्स को जिन स्टॉक्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होते हुए नजर आए थे। पहला स्टॉक जिसमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट हुआ था उसका नाम है अनंत राज लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 2 मार्च 2023 की वीडियो में और इस स्टॉक ने कल के ट्रेडिंग सेशन में अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया था। इस स्टॉक का कल के दिन का हाई था 117.60 का। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा है। दूसरा स्टॉक जिसमें कल के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट हुआ था उसका नाम है आरबीएल बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 1 मार्च 2023 की वीडियो में और इस स्टॉक ने कल के ट्रेडिंग सेशन में अपना फर्स्ट टारगेट किया था। इस स्टॉक का कल के दिन का हाई था 169.10 का। चलिए फ्रेंड अब देखते हैं तीसरा स्टॉक कौन सा है। तीसरा स्टॉक जिसमें कल के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट हुआ था उसका नाम है लेमन ट्री होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 28 फरवरी 2023 की वीडियो में और इस स्टॉक ने कल के ट्रेडिंग सेशन में अपना फर्स्ट टारगेट किया था। इस स्टॉक का कल का दिन का हाई था 82.45 का। ओके फ्रेंड, आइए अब देखते हैं लास्ट स्टॉक कौन सा है। फोर्थ स्टॉक जिसमें कल के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया था उसका नाम है पीएफसी लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 11 फरवरी 2023 की वीडियो में और इस स्टॉक ने कल के ट्रेडिंग सेशन में अपना तीसरा टारगेट किया था। इस स्टॉक का कल का दिन का हाई था 162 का। ठीक है फ्रेंड, ये तो थे वे चार स्टॉक जिन स्टॉक्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट होते हुए नजर आए थे। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम किस स्विंग ट्रेड स्टॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसको कि आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा स्विंग ट्रेड स्टॉक का नाम है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रिवरीज लिमिटेड। इसका शॉर्ट फॉर्म है SDBL। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 122.85। अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसमें टारगेट वन होगा 127.70 का, टारगेट टू होगा 130.50 का और टारगेट थ्री होगा 134.45 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 119.20 के लेवल पर और ये होगा क्लोजिंग बेसिस पर। होल्डिंग टाइम रहेगा इस स्टॉक में 1 to 6 वीक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं SDBL को चार्ट पर और जानते हैं इसके बाइंग लेवल्स क्या होंगे। फ्रेंड, सोम डिस्टिलरीज का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। ये इस स्टॉक का डेली चार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने अपनी 50-day एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी और ये स्टॉक अभी अपनी दोनों मूविंग एवरेजेस 50-day एक्सपेंशन मूविंग एवरेज एंड 100-day एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के कल के दिन के ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम की। इस स्टॉक के कल के दिन के जो वॉल्यूम थे वे इस स्टॉक के पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा के थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं चार्ट पर और ट्रेंड लाइन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये ट्रेंड लाइन पिछले 3 महीने से इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ भी नज़र आया है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के बाइंग लेवल की। इस स्टॉक का कल का दिन का हाई है उसका लेवल है 123.45। तो अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 123.45 के लेवल को होल्ड करता है और इस लेवल के ऊपर आधे से 1 घंटे सस्टेन कर जाता है विद हाई वॉल्यूम, तभी स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। टारगेट होगा 127.70 का, दूसरा टारगेट होगा 130.50 का और तीसरा टारगेट होगा 134.45 का। स्टॉप लॉस आपका रहेगा कल के दिन की कैंडल के लो के पास में जिसका कि लेवल है 119.20। ठीक है फ्रेंड, ये तो था सोम डिस्टिलरीज लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और जैसे ही इसमें डिस्कस करे गए लेवल्स आते हैं तब आप इसमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए स्विंग ट्रेड स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली फ्रेंड्स।